हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज चुके हैं गाइस 8 o'clock और मुस्कान कर रही है एज यूजुअल काम, और मैं जलाने जा रही हूँ जोत। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, बस जस्ट नहा के आई हूँ, और हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, मुझे खाना भी बनाना है फटाफट, तो काम काफ़ी लेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे जाता है, सुबह का बिल्कुल पता नहीं चलता गाइस। ये चल रहा साफ़ सफाई का काम, देखूँगा कितना कूड़ा निकलता है रोज, और इधर लग रही झाड़ू। मुस्कान छुप रही है गेट के पीछे गाइस, अभी निकलने वाली है, ये निकल रही लड़की, तो ये सफाई कर देती है तो काम हो जाता है मेरा। और तो जस्ट मैं जला रही हूँ जो तभी भूरिभूरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। तो गाइस मैंने पूजा कर ली है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बस जल्दी देती हूँ मैं फटाफट। सो गाइस, मैंने कर दिया खाना बनाना स्टार्ट, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:30 का, और मुझे आज बनाने हैं लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और हस्बैंड फिर मचाएंगे जल्दी जल्दी, पहले तो लगा देते हैं मुझे शॉर्ट्स बना शॉर्ट्स बना, और फिर बोलते हैं जल्दी अब मैं निकलूँगा। तो मैं 20-25 मिनट में मुझे खाना बनाना करना होता है, तो फिर मेरे को टाइम लग जाता है। तो अब मैंने लौकी जो है वो करी छील के रख दी थी रात में, मतलब कस के रख दी थी, और अब मैं इसको तल के बस फटाफट बना देती हूँ, बहुत अच्छी बन जाएगी गाइस। और गाइस यहाँ कर रही हूँ मैं अभी पकौड़ी तलने की तैयारी, जो कोफ्ते हैं वो कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बेसन वेसन को अच्छे से मतलब मैंने इसमें घोल लिया है, और पहले मैंने निचोड़ा था इसको लौकी को, ताकि वो ज़्यादा पतला ना हो जाए, और बहुत सॉफ्ट इसके बनाऊँगी मैं पकौड़े, आपको दिखाऊँगी गाइस। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि बेसन में बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, तो सॉफ्ट बनते हैं। बेसन ज़्यादा मिलाने से ना वो सॉफ्टनेस इसकी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए सॉफ्ट पकौड़े अच्छे लगते हैं। और ये हो गए हैं मेरे पकोड़े तल के, बिल्कुल डाल दिए मैंने, अच्छे से पक रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए। और ये बन रही है मेरी सब्जी आज लौकी के कोफ्ते। हस्बैंड जाने वाले ऑफिस, और टाइम हो चुका है 8:30 का, बहुत लेट हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा। और मुस्कान ने चीज पर सफाई करते हुए, और मैं करती हूँ पकौड़ी तलती हुई गाइस। तो गाइस लौकी के कोफ्ते हो गए हैं बिल्कुल बन के रेडी, और इधर बन रही है मेरी रोटी, और हस्बैंड निकल जाएंगे बस 10 मिनट में। तो गाइस गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आ गया है, और ब्रेकफास्ट खाइएगा आप भी। यहाँ मैंने सैंडविच बनाया, यमी डिलीशियस सैंडविच, और ये मेरी चाय है अपने फेवरेट कप में गाइस, आपके लिए भी। तो गाइस टाइम हो चुका है 9:30 का, हस्बैंड जस्ट अभी ऑफिस गए हैं, और मैंने अभी लौकी के कोफ्ते रोटी एंड रायता सब रख दिया, पैक कर दिया, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया गाइस, आपको दिखाया था मैंने। तो गाइस मैं करने जा रही हूँ फ्रिज की सफाई, और टाइम हो चुका है 10:30 का, और ये वाली फ्रिज जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी है, इसमें बहुत सामान भर रहा है। आज छुट्टी है तो आज इसी की सफाई कर लेती हूँ, वैसे भी यहाँ नहीं छिपकली भी रहती है, मुझे डर लगता है, पर फिर भी मैं देखती हूँ कि इसमें छिपकली तो नहीं निकल आएगी। ये फ्रिज जो है गाइस, ये मेरा बहुत पुराना फ्रिज है, 2007 का है जब हमारी शादी हुई थी, और ये क्या 2014 में हुआ ख़राब, और ख़राब होने के बाद मैंने इसका कंप्रेसर सही कराया, बट ये सही नहीं हुआ, मतलब अच्छे से कूलिंग नहीं की। तो इसको क्या किया मैंने, इसको एक्सचेंज ऑफर में नहीं दिया, इसको घर में ही यूज़ करती हूँ मैं, इसमें घर का जो राशन आता है उसको सेफली रख देती हूँ, बहुत अच्छा ये है, और ये अलमारी का काम करता है प्रॉपर, और इसके अंदर बहुत ही अच्छे से सुकून से मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ। इसको फेंकने से अच्छा एक्सचेंज ऑफर में इसका कुछ भी रेट नहीं मिलता, तो मैं इसलिए इसको नहीं दिया। इस हालांकि इसको बहुत लोगों ने मांगा, बट मैंने इस फ्रिज को नहीं दिया, मुझे बहुत पसंद है ये वाला फ्रिज, और सारा सामान मेरे इसी के अंदर आ जाता है, वरना तो इधर उधर पता नहीं कहाँ पे ड्रॉर में रखती हूँ मैं, इतना सारा राशन लेके आते हैं हम, एक एक महीने का इकट्ठा ले आते हैं। तो गाइस ये कर रही हूँ मैं फ्रिज की बिल्कुल अच्छे से सफाई, सामान को सारा झाड़ झूड़ के रखा है, क्योंकि इसमें कुछ सामानों में ना सीलन भी आ जाती है, तो मैंने कुछ सामान बाहर भी सुखा दिया है, तो उसमें जो घुन वगैरह लगते हैं वो नहीं लगेंगे, और थोड़ी सी धूप आती है बालकनी में हल्के से सूख भी जाएंगे, वो जो स्मेल वगैरह होती है वो निकल जाएगी प्रॉपर इनकी। तो गाइस ये है न्यूट्रेला, और ये काफी दिन से अंदर रखी है, इनको थोड़ा सा बाहर रख देती हूँ, हवा लग जाएगी इसमें, वरना घुन पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, और बनने का नंबर इनका आता है नहीं ज्यादा, तो इसको यहाँ रख देती हूँ इसके ऊपर। गाइस ये तुरंत ही हाथ देने लग जाता है, देखे चाटने लग गया, इसका आ गया खाना पीछे, और कोको मस्त हो रहा है, खाना वाना खा के बिल्कुल मस्त हो रहा है एकदम से। तो गाइस सामान मेरा सेट हो गया इधर वाला, अब ये वाला पोर्शन मैं कर देती हूँ सफाई, ये हो रखी है गंदी एकदम।
तो ये बाहर का गेट मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी रबड़ ना बिल्कुल ब्लैक हो गई है, काफ़ी दिन से इसकी सफाई नहीं की है मैंने, बच्चों के चक्कर में या फिर खुद के चक्कर में बिजी रहती हूँ, और बाहर से बिल्कुल चमका दूंगी ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर बहुत ही प्यारा है, ऊपर रखा है माइक्रोवेव, ये अभी मतलब थोड़ी सी इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और इसको भी मुझे सफाई करनी है, लेकिन पहले मैं फ्रिज को अच्छे से चमका दूँ। बहुत प्यारा लगता है जब ये फ्रिज साफ़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, गजब लुक आता है इसका। और माइक्रोवेव के अंदर रखा हुआ मेरा काफ़ी सारा सामान भी है इसके अंदर, और ये स्टोर रूम भी बना दिया मैंने, माइक्रोवेव का भी मतलब ऐसे ही करा दिया, इसको भी ठीक कराना है मुझे, और मेरे बिना तो कोई ठीक कराएगा नहीं गाइस, तो इसको बुलाया भी था एक बार मैं। तो गाइस मैंने ये वाली फ्रिज बिल्कुल साफ़ कर दी है, और ऊपर माइक्रोवेव के ऊपर जो सामान रखा था वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया, और नीचे देखिए कचरा कितना सारा निकल गया, चाय की पत्ती भी गिर गई मुझसे, और जितने भी खाली पैकेट थे वो सब मैंने बाहर निकाल के फेंक दिए, और अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी ना एक भी चूड़ी नहीं पहनी है मैंने, और चूड़ी पहन के ना बहुत ही ऐसा लगता है कि हाथ में भरा भरा सा और एकदम से उतारने का मन करता है, और देखो गोल्ड की चैन है वो डर की वजह से उतार दिए, क्योंकि यहाँ पे चैन स्नेचर घूम रहे हैं और खींच के ले जाते हैं चैन, मतलब इतना डर लगता है कि यहाँ पे इतनी चोरी हो गई ना गाइस बहुत ज़्यादा, और तो मैं चैन इसलिए उतार के रख दी है, और गोल्ड के तो कुंडल मैंने नहीं पहने हुए हैं वो भी, क्योंकि थोड़े से हैवी हैं तो कान लटकने का डर लग रहता है उनका। तो गाइस बस यही है आज के लिए, तो क्योंकि बच्चे आ जाएंगे उससे पहले मुझे एडिट भी करनी होती है वीडियो। तो गाइस बस फर्स्ट टाइम हो चुका है 12:30 का, और मैंने फ्रिज वगैरह सब साफ़ कर दिए और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है मैंने। तो गाइस मेरी नींद आ गई थी बस थोड़ी सी, 5-10 मिनट कोई आँख लगती है मेरी, बट नींद आ गई थी। तो गाइस बच्चे आएंगे मतलब वही 2 बजे के आसपास आएंगे, संस्कृति एंड वत्सल, उनके चल रहे एग्ज़ाम और आगे से चलेगी हाफ डे, तो हाफ डे में वो 12 बजे तक ही घर पर आ जाएंगे, 11:30 छुट्टी हो जाएगी, और एग्ज़ाम में उनके प्रिपरेशन कराया नहीं, पता नहीं 2-3 दिन तो मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, शायद 12-13 को मेरा ब्लॉग आएगा। तो गाइस मेरा फुल सपोर्ट करिएगा, और ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।